आज का हमारा टॉपिक सर्कल है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरू आज का टॉपिक है सर्कल्स तो सर्कल में पहले हम डेफिनेशन समझते हैं तो सर्कल बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ था ऐसे बहुत सारे पॉइंट है इस तरह और ये ये सभी पॉइंट है ना कोई आ, कोई फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है यहाँ पे ए फिक्स पॉइंट है वहाँ से सेम डिस्टेंस पे देखो सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है ओके तो जो फिगर बनता है ना उसको सर्कल बोलते हैं तो डेफिनेशन इस तरह से है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट यानी गिवन पॉइंट यानी सेंटर और जो डिस्टेंस है वो रेडियस बोलते हैं हम okay? ओके तो डिस्टेंस को वो जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस हम बोलते हैं और ये बहुत सारे पॉइंट मिलके फिगर बनता है वो राउंड शेप फिगर बनता है उसको हम सर्कल बोलते हैं बाद में टेंजेंट तो टेंजेंट हम किसको बोलेंगे देखो यहाँ पे अ लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल इफ इट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट कोई लाइन है ये लाइन है जो सर्कल को टच करती है यहाँ पे ओके ये ए पॉइंट है ए पॉइंट पे टच कर रही है ओके तो कोई वन पॉइंट पे टच करती हो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं ओके और जो पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ये ए पॉइंट को क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओके बाद में सिकांड अभी सिकांड जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट को होता है द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंग पॉइंट ओके यहां पे दो डिस्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है लाइन उसको सिकांड बोलते हैं ओके सिकांड और टेंजेंट में इतना फर्क है कि टेंजेंट वन पॉइंट इंटरसेक्शन है और सिकांड टू पॉइंट इंटरसेक्शन है यहाँ पे अभी कंपैरिजन देखते हैं अभी कभी कभी हम बोलते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि लाइन और सर्कल इन दोनों में से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ओके okay, देखो यहाँ पे लाइन और सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और ये सिकांड में क्या होता है दो पॉइंट कॉमन है यहाँ पे देखो एम पॉइंट और एन पॉइंट एम और एन पॉइंट है ना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो लाइन और सर्कल में कॉमन है और टेंजेंट में टेंजेंट में वन पॉइंट कॉमन होता है वो पी पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं उस पॉइंट पे टच हो रही है लाइन uh, सर्कल को टच हो रही है तो पी पॉइंट कॉमन है इसमें ओके तो टेंजेंट में वन पॉइंट कॉमन होता है सिकंड में टू पॉइंट कॉमन होता है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता वो यहाँ पे देखो टच ही नहीं हो रही है और इंटरसेप्ट भी नहीं हो रही है अभी हम सरकमफरेंस के बारे में देखते हैं कि सरकमफ्रेंस किस को बोलेंगे तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस अराउंड द सर्कल ये जो हम डिस्टेंस है ये सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम सरकमफरेंस बोलेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस बोला यानी पेरीमीटर सर्कल की पेरीमीटर को हम सरकमफरेंस बोल सकते हैं ओके बाद में हम रेडियस रेडियस की बात करें तो रेडियस किसको बोलेंगे यहाँ पे लिखा है कि एनी लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन सर्कल अभी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है ओके okay? और एक सेंटर है सेंटर और सर्कल के ऊपर पॉइंट है इन दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट है ये तो ये लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे रेडियस बोलेंगे बाद में डायमीटर डायमीटर का किसको बोलते हम बोलते हैं हम डायमीटर तो एनी लाइन सेगमेंट थेड पासिस थ्रू अ सेंटर ऑफ द सर्कल कनेक्टिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल ओके एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से पास होता है ओके okay? यहाँ पे देखो सेंटर में से पास हो रहा है और ये दो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है उसको कनेक्ट कर रहा है ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है उसको कनेक्ट कर रहा है ओके okay? और सेंटर में से पास हो रहा है तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसको डायामीटर बोलेंगे ओके okay? डायमीटर रेडियस से दुगना होता है ऐसा क्यों क्योंकि डायमीटर दो रेडियस से बना होता है देखो यहाँ पे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो दो रेडियस से बना होता है यानी डायमीटर रेडियस से दुगना होता है अभी थेरम टेन पॉइंट वन समझते हैं तो टेन पॉइंट वन थेरम क्या कहता है कि इफ लाइन इज टेंजेंट टू टू अ सर्कल कोई लाइन है वो टेंजेंट है सर्कल को ये सर्कल है उसको टेंजेंट या टच हो रही है ओके थेन इट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ये रेडियस को परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मीन्स ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोल सकते हैं ओके okay? तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है यहाँ से हम रेडियस ड्रो करेंगे ओके okay? जहाँ पे कॉन्टेक्ट uh, हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा समझ में आ गया तो समझ में आ गया थ्योरम टेन पॉइंट वन अभी नेक्स्ट अभी क्वेश्चन हम समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हाउ मेनी टेंजेंट कैन कैन ए सर्कल है अभी सर्कल को कितनी टेंजेंट होती है तो सर्कल के ऊपर जो कोई भी एक पॉइंट होता है ना उसकी उसकी वन टेंजेंट होती है एक पॉइंट पे एक टेंजेंट पास होती है तो सर्कल तो बहुत सारे पॉइंट से बना होता है इन्फाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है आप देख सकते हो कि कोई भी सर्कल होता है यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लोकेट इस तरह होते हैं जिससे हमको सर्कल दिखाई देता है ओके okay, तो इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो वन पॉइंट में से वन टेंजेंट पास होती है तो ये सर्कल में इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट पास हो सकती है ओके okay? तो यहां पे आंसर में है द सर्कल कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज़ द सर्कल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन इट

ओके okay? बाद में सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इस कॉल्ड अभी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है अभी ये सर्कल है अभी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम सिकेंट तो यहां पे देखो सिकेंट लिखा हुआ है ओके थर्ड अ सर्कल कैन हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट ओके सर्कल सर्कल uh, पे पैरल टेंजेंट कितनी बन सकती है तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन सकती है वो किस तरह वो मैं अभी मैं समझाता हूँ आपको अभी ये फिगर देखो यहाँ पे तो ये फिगर में आप देख रहे हो कि ये दो दो पेरल टेंजेंट है ओके तो ये दोनों पेरल टेंजेंट आ, मैं दे, देख सकती हूँ कि ये ये ए पॉइंट है ना ओके और ये बी पॉइंट ये ये उनमें से जो दो टेंजेंट पास हो रही है वो पैरल हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये रेडियस के साथ नाइन्टी बना रहा है यहाँ पे भी रेडियस के साथ नाइन्टी बना रहा है अभी अल्टरनेट एंगल ओके तो अल्टरनेट एंगल हुआ तो ये दो लाइन पैरल हो गई अभी आप देख सकते हो कि अगर दूसरा दूसरी पैरल हम करने जाए तो आपको दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा ओके तो दूसरा पॉइंट पे हम अगर लाइन पास करते हैं टेंजेंट तो थोड़ा सा इसे पैरल नहीं हो रहा है थोड़ा कर्व आ जाता है ओके तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगी क्यों इंटरसेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे नाइनटी एंग अभी देखो यहाँ पे रेडियस करोगे तो यहाँ पे पेरल नहीं होगी क्योंकि ये नाइन्टी बन रहा है पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है ओके okay, तो ये पेरल हम प्रूव नहीं कर सकते समझ में आ गया तो हम दो पैरल लाइन ही बना सकते हैं यहाँ पे अभी फोर्थ फिलिंग कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड अभी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोल बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओके टेंजेंट में कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं अभी क्वेश्चन थ्री इसमें आप आ, आ, दिया हुआ है कि एट पॉइंट सर्कल ऑफ द रेडियस फाइव सेंटीमीटर यानी रेडियस आपको फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एक सर्कल है ओके okay? उसका जो सेंटर है और पी पॉइंट है ना उसका टेंजेंट हो रहा है ओके okay? और सर्कल की रेडियस फाइव सेंटीमीटर है इस तरह से फिगर है बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ओ क्यू इज ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड द लेंथ पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू अभी आप यहाँ फिगर पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये पी क्यू टेंजेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है और आपको ओ क्यू ट्वेल्व सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे आप राइट एंगल ट्राइंगल बनता है यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनता है क्योंकि आपको थ्योरम में बोला था कि टेंजेंट रेडियस के साथ थाइंटी डिग्री बनाता है इसलिए ये नाइनटी डिग्री बना ओके okay, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अभी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं अभी राइट right एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको हम हाइपोटीनियस बोलते हैं ओके okay? तो हाइपोटीनियस का स्क्वेयर यानी ट्वेल्व का स्क्वेयर इक्वल टू फाइव का स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्र इस तरह से होता है पाइथागोरस पाइथागोरस्थेरम ओके तो यहाँ पे देख सकते हो और पाइथागोरस पाइथागोरेस्थेरम अभी फाइव का अभी स्क्वेयर कर डालो ट्वेल्व का स्क्वेयर वन फोर्टी फोर ओके फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाद में ट्वेंटी फाइव उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ओके तो वन फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव एंड वन वन नाइन ये आपको पी क्यू स्क्वेयेर मिला ये आपको क्या मिला पी क्यू स्क्वेयर इक्वल टू वन वन नाइन अभी आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है तो आपको स्क्वेयर रूट करना पड़ेगा ओके okay, तो पी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट वन वन नाइन मिलेगा तो ये आपका आंसर है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट वन वन नाइन अभी क्वेश्चन फोर देखो क्वेश्चन फोर में लिखा है कि ड्रॉ अ सर्कल टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दे द वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सिकंड टू अ सर्कल ओके एक सर्कल ड्रॉ करना है तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया टू लाइन पैरल टू अ गिवन लाइन अभी यह गिवन लाइन है उसको पैरल एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना है और सिकांड भी ड्रॉ करना है टेंजेंट होगा वो सर्कल को टच करेगा और सिकांड सर्कल में से पास होगा अभी ये दोनों टेंजेंट और सिकांड दोनों पैरल आपको ड्रॉ करना है तो किस तरह से करोगे तो पहले आपको क्या करना होगा कि आपको नाइन्टी डिग्री बनाना है यहाँ पे देखो देख सकते है कि आपको पहले टू uh, okay? नाउ ड्रो परपेनिकुलर फ्रॉम ओ लाइन ओ लाइन ए बी विच इंटरसे बी एट पी ओके परपेनिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ओके okay? बाद में एक, एक लाइन है वो uh, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट करके आपको परपेनिकुलर ड्रॉ करना है ओके okay? और दूसरा भी uh, सर्कल के अंदर uh, कोई पॉइंट कर दो ओके okay? और उसमें से वो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और ये भी परपेंडिकुलर है तीनों परपेंडिकुलर है ओके तो करस्पोंडिंग एंगल करस्पोंडिंग एंगल से तीनों लाइन क्या होगी पैरेलल होगी समझ में आ गया तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकॉन को दबाइए